that's just my point of view. हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखाने वाला हूं, जो मैं फ़ोटोज़ क्लिक करता हूं, जो मैं बाहर जाके फ़ोटोज़ क्लिक करता हूं अपने मॉडल्स लोग की, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। जिन्हें नहीं पता, मैंने एक और वीडियो बना चुकी है इसी सेम टॉपिक पे, तो उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स था कि मुझे ये सेकेंड पार्ट बनाना पड़ा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना गियर दिखा दूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो है कैनन 1200D विथ 50mm। और इसके बाद मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ कि मैं किस लोकेशन पे शूट करने वाला हूँ ये वीडियो। तो आप यहाँ पे लोकेशन एक बार चेकआउट कर लीजिए, ये रही वो लोकेशन। यहाँ पे ही मैं कुछ यही गियर्स का यूज़ करके फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ टेस्ट शॉट्स क्लिक किए, जिसमें मेरे माइंड में ये था कि जो पीछे ब्लू स्काई है उसे मैं अपने फ्रेम में ले सकूँ, और रिजल्ट एवरेज थे फ़ोटो के। अब हम ना एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए थे अपने शॉट्स के साथ, क्योंकि हमारा जो टेस्ट शॉट्स था वो उतना अच्छा नहीं आया, तो हमने सोचा कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, शायद कुछ शॉट अच्छे आ जाएं, और रिजल्ट ऐसा था। फिर मैंने अगले फ्रेम के लिए ये सोचा कि जो पीछे लोकेशन है मैं उसे अपनी फ़ोटो में थोड़ा शो ऑफ कर सकूं, यानी जो पीछे बैकग्राउंड है उसे मैं अच्छे से कोशिश करूंगा कि दिखा सकूं, और मैंने क्लिक भी किया और रिजल्ट कुछ ऐसा था। धीरे धीरे हमने यहाँ पे शॉट्स और फ्रेम्स को सुधारने की कोशिश की। तो मैंने यहाँ पे कुछ ग्राउंड पर बैठने वाली फ़ोटोज़ क्लिक की डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। अगर आज स्काईज में थोड़े बहुत क्लाउड्स के पैटर्न होते तो ये फ़ोटो और भी ज़्यादा शानदार होती, बट ठीक है, ये रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे प्रीवियस फ़ोटोज से। तो थोड़ी देर बाद मुझे तीन दोस्त मिले जो कि मेरा कैमरा देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारी भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दो। तो मैं कहाँ मना करने वाला था स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स और स्ट्रीट फ़ोटोज़ को, तो मैंने उनकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। आपको इन तीनों का नाम अगली कुछ स्लाइड्स में देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे तीनों जन बैठे इकट्ठे, यहाँ पे पोजेस के बारे में डिस्कस की, फ़ोटोज़ देखी, और यहाँ पे फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इन्हें कुछ ब्लैक एंड वाइट में पोर्ट्रेट्स चाहिए और कुछ वॉलपेपर मटेरियल। तो ब्लैक एंड वाइट आप ये फ़ोटोज़ चेक कर सकते हैं, और वॉलपेपर मटेरियल आपको आगे ही कुछ अगली स्लाइड्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ फेक कैंडिडेट्स क्लिक करते हैं, जो यहाँ पे एलिवेशन था उसका फ़ायदा मैंने उठा के यहाँ पे एक वॉक जो आप करते हो उसकी एक कैंडिडेट क्लिक करने की कोशिश की, आप रिजल्ट में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो अभी मैं गोल्डन आर लाइट जो है उसका यूज़ कर रहा हूँ, ये वो सेटिंग्स है जो मैं अभी यूज़ करूँगा इस शॉट के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने भाई को बैठा दिया है, और बीच में थोड़ा सा पानी बह रहा है, तो उसका कुछ मैं यूज़ करके कुछ ये वाला शॉट आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अब आखिरी में जब हम जा ही रहे थे तब हमें एक डॉग मिला, जिसके साथ हमने फ़ोटोज़ क्लिक की, वॉलपेपर मटेरियल क्लिक किए, और कुछ पोर्ट्रेट्स भी। तो आप ये जो सैंपल्स हैं नेक्स्ट स्लाइड में चेक कर सकते हैं। अगर आपको और भी वॉलपेपर मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे ऐसी फ़ोटोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है @avinash27p। तो इन दी एंड अगर आपको ये सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इसे जितना हो सके शेयर कर देना, ताकि हमारे ग्रो होने के चांसेस और बढ़ जाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।